लोगों का ये पूछना बिल्कुल वैलिड है। पिछले कुछ दिनों से मालूम है कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आ रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में, एंड क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुने जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमें पहले एंटी रेबीज वैक्सीन दैट इज ARV लग चुका है पूरा कोर्स, या तो इंट्राडर्मली हमने 4 डोज लिया है, या तो इंट्रामस्कुलरली हमने 5 डोज ले लिया है। अब हमें फिर से डॉग बाइट हुआ है, लेकिन इस बार डॉग बाइट है Category 3 का। और Category 3 में क्या होता है? HRIG that is human rabies immunoglobulin के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन ARV भी लेना होता है। अब सबसे भारी कंफ्यूजन यहां पे ये है कि क्या इस प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हमें HRIG लेने की जरूरत है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, कुछ लोगों ने थर्ड कैटेगरी समझकर HRIG लगवा लिया। अब या तो आप जब अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास, डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो या तो आप अपनी हिस्ट्री नहीं बताते हो कि हमने पहले ARV लगवा रखा है पूरा कोर्स, या तो कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपसे पूछना भूल जाते हैं कि भाई क्या आपने पहले ARV लगवाया है कि नहीं लगवाया है। तो यहां पे गलती से HRIG लगा दिया जाता है फर्स्ट डोज ऑफ ARV के बाद। अब क्या कायदे से HRIG तो लाइफ टाइम में एक ही बार लगनी चाहिए, एंड अगर किसी को ARV पहले लगा हुआ है तो अब HRIG तो लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहां इस केस में तो HRIG लगा दिया गया ऑलरेडी, अब आगे क्या? तो बस इसी क्वेश्चन को समझना है, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा सा सुने क्या करना है ऐसे कंडीशन में। सपोज HRIG आपको लगा दिया गया है इस एपिसोड में, पहले आपको जानना ये जरूरी है कि HRIG क्या करता है। HRIG है इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स को ये प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब ये पैसिव इम्यूनिटी है, आपने यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में एंटीबॉडीज बॉडी में डाल दिया। तो ये जो एंटीबॉडीज है, ये जो रेबीज का जो वायरस है, ये जो एंटीजन है, इस पे जाके ये काम करेगा एंड इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये अपना इफेक्ट HRIG इमीडिएटली दिखाता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन अब आप याद करें वो कंडीशन जहां पे इंडिविजुअल ने पहले ही ARV 5 डोज या 4 डोज फुल कोर्स लगवा रखा है, वहां पे चूंकि एंटीबॉडीज पहले से बना हुआ है इनके बॉडी में, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज जो पहले से बनी हुई है बॉडी में, ये एंटीबॉडीज को भी HRIG आके इस रिस्पॉन्स को भी ब्लंट कर देगा, पार्शली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपके बॉडी में जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था एंटीबॉडीज का, वो इस HRIG की वजह से हैम्पर हो जाता है। तो हुआ क्या, जब आपने फुल कोर्स पहले लगवाया था तो प्रेजेंटली आपको केवल 2 डोज ही लगवाना चाहिए था Day 0 पे एंड Day 3 पे। किसका? ARV का, एंटी रेबीज वैक्सीन का, HRIG का कोई रोल नहीं। लेकिन गलती से जब आपने यहाँ पे HRIG लगवा लिया है, तो ये HRIG क्या किया, आपके पुराने वाले एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को ब्लंट कर दिया, पार्शली सप्रेस कर दिया। तो अब जो आप री एक्सपोजर में ये 2 डोज जो लगवाने जा रहे हो, ये 2 डोज आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देगा। ये 2 डोज आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन तभी देता जब आपके बॉडी में सफिशियंट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पुराने वाले वैक्सीन के वजह से होता। तो यहां पे 2 डोज सफिशियंट नहीं है, तो क्या किया जाए ऐसे केस में? तो ऐसे केस में आपके पास एक तरीका है, आप एक टेस्ट करा सकते हो, दैट इज RFFIT, जो रेबीज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, लेवल्स को बताता है। अगर ये आपके बॉडी में मोर देन 0.5 यूनिट्स है, इट मींस कि आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ऐसे केसेस में 2 डोज री एक्सपोजर मानकर आप लगा लो, आप सेफ रहोगे, आपको कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन वहां पे
जहां पे आर एफ एफ आई टी लेस देन 0.5 यूनिट्स आता है वहां पे आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं हो। क्यों 0.5 से नीचे आया है? या तो हो सकता है पहला वाला वैक्सीन ही इनफेक्टिव रहा हो इसलिए नीचे आ गया है, या दूसरा अभी जो आपने HRIG लगवाया है इसके वजह से वो पार्शियली सप्रेस हो गया है और अभी फिर से आपका लेवल 0.5 से नीचे आ गया है। तो अब चूंकि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो यहां पे री एक्सपोजर मानकर दो डोज सफिशियंट नहीं होगा आपके लिए। अब आपको पूरा कोर्स करना होगा, या तो आईडी चार कोर्स कर लीजिए, चार डोजेस ले लीजिए इंट्राडर्मली, या तो इंट्रामस्कुलरली 5 डोज ले लीजिए। तो ये था करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर गलती से HRIG लगा दिया गया है इस प्रेजेंट सिनेरियो में। तो उम्मीद करता हूं समझ में आप लोगों को क्लियरली आ गया होगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है कुछ भी, कमेंट बॉक्स आपकी खाली है, ब्लैंक है, डाल दें हमारे पे क्वेरीज क्वेश्चंस, आंसर आपको हर बार की तरह मिल जाएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।